झूले। झूले झूले, वाह यार, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ पूरे किचन उठा गया। और क्या करें, बस रात को रुका था मैं पीछे अपना, कौन सा विलेज है, पद में रुका हुआ पद पदुम था रात में, तो अभी या आगे वहाँ निक। रुकना था ना आपने, वो जहाँ पानी है ना, अच्छा साथ उधर, में यहाँ पर यहाँ मुझे पानी पता है, नहीं था इतना। यहीं पे नदी है ना, अच्छा, वो वहाँ नदी पे के साथ पानी में है। लग जाता, हाँ पानी मुझे है, पता नहीं था फिर इतना, ये पानी मुझे पानी है। ठीक मिला। हाँ पानी है मेरे पास, एक बार काम चल जाएगा, कैनी में भर लूँगा दोबारा से फिर जो चल, इसका कब पहुँचे? कल देखा था मैंने मैं। आपको, नाइट में आया था मैं, ओके, उधर आपकी गाड़ी हाँ खड़ी थी। मैं कल ही आया भाई उधर से, उस साइड से, मनाली वाली साइड से, अच्छा, तो रात में रुक गया था पदुम में, पार्किंग वो है ना टेम्पू ट्रैवलर वाली, हाँ, उधर था मैं, क्योंकि कल ठीक था, थोड़ी सेर सी हो गई थी अप डाउन सी, तो फिर अब थोड़ा आगे आगे इधर अपना मेरे सिरपुला पास। टॉप की वजह से होता है, 16,500 फीट हाँ किया है वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और बट उससे आगे आके ना मैंने रोड ले लिया जो दो नहीं है, एक तो नीचे पक्के वाला है, डाइवर्जन वाला, मैं आ गया ऊपर वाले से। उस पर कटिंग चली हुई है अभी। तो जी गुड मॉर्निंग, तो जैसे आप अगर मेरे लास्ट व्लॉग देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं अभी पदुम में हूँ, और पदुम में जो मैंने रात स्टे किया हुआ था वो किया था मैंने पदुम में प्रॉपर, जो शहर है, और वहाँ की एक पार्किंग है, जो यहाँ पे बसें वगैरह तो चलती नहीं है, वहाँ पे टेम्पू ट्रैवलर की एक पार्किंग है, और मैंने वहीं पे ही स्टे किया हुआ था रात, और आज सुबह उठ के फिर मैं थोड़ा पदुम से आगे आ गया हूँ, अबाउट होगा 8-10 किलोमीटर आगे, और खुला सा ग्राउंड मिल गया, क्योंकि कुकिंग वगैरह करनी है या कुछ बनाना होता है तो थोड़ा पीसफुल सी जगह मिल जाए, क्योंकि पार्किंग के अंदर तो और भी काफ़ी ट्रैवलर वगैरह खड़े थे, तो वहाँ पे मैं नहीं कर सकता था। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट हो गया या लंच सब कुछ बना के खाने, लंच पैक कर लूँगा, ब्रेकफास्ट अभी बना के मैं खा लूँगा भाई। क्या है कि ऑक्सीजन करके करके ना थोड़ा सा सेहत में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, तो इसलिए ना खाना सिंपल रखूँगा मैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ज़्यादा ऊट पटांग नहीं, सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ दाल बना लूँ और इससे ज़्यादा और कुछ ना बना के खाऊं, और हवा चल रही है, मेरे को लगता है इधर मुझे गत्ता भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हवा में भी काम ख़राब हो जाता है, तो जल्दी से मैं एक सिंपल सी अभी दाल बनाऊंगा और रोटी, बढ़िया सी दाल रोटी बना के आज मैं खाने वाला हूँ। तो भाई कैसे लगे आपको पीछे वाले व्लॉग जो आपने देखे हैं, और बताना मुझे, और बहुत जल्दी अभी आगे मैं ले पहुँच जाऊँगा बस, और पहुँच के उसके बाद पैंगोंग लेक, टुरटुक, हनले, और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रोड पास है उमलिंगला, वो भी मैं कवर करने वाला हूँ, उस पर भी बहुत ज़ोर लगने वाला है भाई उमलिंगला में, वहाँ पे गाड़ी चढ़ाना ना बस नेक्स्ट लेवल की गलबात हो जाती है वहाँ पे भी। तो भाई अभी तो रास्ते खुल गए हैं, कोई आना चाहे 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए, जैसे मैं लास्ट व्लॉग में आपको बता ही रहा हूँ, तो आप आ जाओ भाई, और कुछ दिन के लिए मैं ले में ही हूँ, मेरे साथ चलना आगे, तो आप जल्दी जल्दी पहुँच जाओ, फिर आप इकट्ठे चलते हैं लद्दाख कवर करते हैं आगे, ले से आगे। भाई बहुत लोगों को ना ये भी कन्फ्यूज़न है कि ले लद्दाख, ले लद्दाख लाइक लद्दाख तो सारा एरिया आ गया ना, तो और ले उसमें एक सिटी है, जैसे जम्मू कश्मीर को भी इकट्ठा ही बोल देते हैं जैसे, है ना, बट वो चीज़ नहीं है, इस चीज़ को आप बहुत, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ का नहीं पता, सो मैंने सोचा चलो ये एक बंदे को भी ना पता होगा तो चलो मेरा फ़र्ज बनता है कि ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा भाई, रात भी मैंने कुछ खाया नहीं, बस ऐसे ही सो गया, तो अभी तो भूख लग रखी है काफ़ी ज़्यादा, और मैं इधर से जाऊँगा कारगिल वाली साइड से, निमू वाला रोड भी नया बना है, बट उसमें क्या है कि कभी वो चला देते हैं कभी बंद कर देते हैं, तो मैंने स्नो वगैरह तो बहुत देख ली है ना जैसे आपने देखा ही है, तो मैं अभी जाऊंगा कारगिल वाली साइड से, कारगिल से होते हुए फिर निकल जाऊंगा सीधा आगे, और ये इसमें जीरा वगैरह डाल के ना अच्छी सी दाल बनाते हैं बढ़िया वाली, और ये आगे मेरे स्पाइसेस, जो लोग पहले से देखते हो उन्हें तो पता ही होगा कि मैं स्पाइसेस वगैरह किस में रखता हूँ, और किचन का सेटअप कैसे लगा हुआ है, और ये डाल दिया भाई जीरा, और इसमें डाल देते हैं अनियन, लहसुन अदरक की पेस्ट भी मेरे पास है नहीं है, वो भी ना ले से जाके लेंगे,
क्योंकि आप अभी बहुत टाइम लगने वाला है आगे, इतनी जल्दी लेह लद्दाख कवर नहीं होने वाला। कम से कम मेरे को लगता है 1 मंथ मुझे लग जाएगा ईजली, तो इसलिए मुझे सामान वगैरह सारा कुछ मेरे पास रखना होगा अच्छे तरीके से। खाने पे थोड़ा सा ना अभी मैं फोकस करूँगा, मैं क्या ना थोड़ा ना कई बार क्या होता है बस ब्रेड खा लिए और कुछ ड्रिंक में ले लिया, बस उसी पे काम चलता रहता है, तो ऐसे काम ख़राब हो जाएगा। तो अभी मैं फोकस करूँगा पूरा कि अपनी कोई मील स्किप ना करूँ, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट और लंच बढ़िया सा बना के जो आगे के लिए उसके बाद ही निकलूँ। अब पूरा पूरा ट्राई करूँगा मैं। हाँ, इसमें अब डाल देते हैं थोड़े से मसाले। गरम मसाला मैं कोई भी ऐड नहीं करता होता भाई, मेरे पास वैसे होते हैं जैसे हिंग होगी है ना, ये चीज़ें मैं डाल लेता होता हूँ वैसे, बाकी नॉर्मल रखता हूँ भाई। मुझे डर बहुत रहता है कि बीमार ना हो जाऊँ, क्योंकि अकेला बंदा बीमार हो गया तो कौन बचाएगा भाई। रात सेहत ना ख़राब हो गई थी काफ़ी, तो अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी थोड़ा सा ना गड़बड़ सी हो रखी है, मतलब अच्छे से हाथ पैर काम नहीं कर रहे, कुछ तो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, और कुछ कंटिन्यूसली सारा दिन ड्राइव करे जाना है ना, वो भी अकेले जाने, फिर क्या मेरे पास भाई काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, क्या करूँ मैं। देखो कुकिंग भी होगी ठीक है, ये भी मैंने खुद करनी है, बाहर कुछ खाता भी नहीं हूँ मैं, बस रॉ मटेरियल वगैरह यही लेता हूँ, और उसके बाद क्या हो गया शूट भी करना, सारा कुछ कैमरे का सेटअप करो ये करो है ना, वो हो गया, उसके बाद एडिटिंग करो ठीक है, एडिटिंग करके फिर उसको पोस्ट भी करना है। कई बार क्या होता है नेटवर्क पास में नहीं मिलता, नेटवर्क ढूंढो, एक एक दो दो घंटे लग जाते हैं उसको अपलोड होने में, तो ऐसा बहुत सीन चलता रहता है भाई मेरे साथ, इस करके भाई थक जाते हैं क्या करें। टीम होनी चाहिए ना पूरी, इधर भी कैमरे 5-7 बंदे घूम रहे हैं साइडों में है ना, पूरी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं तो मज़ा आ जाए ज़िंदगी का। झूले नमस्कार जी, बस खाना बना रहा हूँ। हाँ हाँ, यहाँ के रहने वाले आप झूले? हाँ हाँ, और क्या करें, रात को रुका था मैं पीछे अपना, कौन सा विलेज है, पदुम था रात में, तो अभी आगे निकल रुकना था ना, आपने वो पानी है ना। अच्छा उधर, पर मुझे पता नहीं था इतना, यही पे नदी है ना। अच्छा अच्छा, वो नदी के साथ में लग जाता, मुझे पता नहीं था फिर इतना, ये मुझे ठीक मिला, पानी है मेरे पास, एक बार काम चल जाएगा, कैनी में भर लूँगा दोबारा से फिर। और काम धंधा इधर क्या करते हैं आप? मैं अभी यहाँ पे पौधा लगाने लगे। पौधे लगा रहे हो? यहाँ पे पौधे बहुत कम है ना, होता नहीं है ना इधर, कम है क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा कम है, पानी कम है ना यहाँ पे, बहुत ज्यादा ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है, ड्राई ज्यादा। आज यहाँ से काट के हिंदी लगाने, ठीक है। कहाँ से आए आप? मैं वैसे पंजाब से हूँ। पंजाब से? हाँ, अभी वैसे कल मनाली से आया मैं उधर से। गाँव में बैठना था ना आपको? है गाँव में मैं बैठना था ना, गाँव वाले आपको कमरा वमरा सब बुलाते हैं? नहीं मैं इसी में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बढ़िया रहते हैं इसमें, सब कुछ लगा है। हाँ सब लगा हुआ है इसमें, कोई इशू नहीं है, घर वाला काम ही है इसमें। लो आप थोड़ा दे देते, हमारा हाथ थोड़ा गंदा। कोई बात नहीं, आप आए हो हमारे पास। अच्छा शुक्रिया भाई। हाँ जी चलता। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद, आप आए मिलने के लिए, अच्छा लगा। हाँ मैं उधर से भर लूँगा जी, शुक्रिया जी। देखो भाई जो लोकल लोग होते हैं ना अपने, मतलब कितने हर जगह पे, जैसे देखो मैं कहाँ अब कन्याकुमारी से कहाँ तक आ चुका हूँ, मतलब लेह लद्दाख या जम्मू कश्मीर बिल्कुल साथ में ही है, कश्मीर टू कन्याकुमारी जिसको बोल देते हैं ना, वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। हर जगह पे लोग, मतलब अभी इसने बंदे की आपने वर्डिंग शायद सुन ली होगी कि आप गांव में रुकते, आपको रहने के लिए जगह देते बढ़िया, आप वहाँ पे है ना, तो हर कोई हेल्प करता है भाई। बस यही बात, अगर हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। इस बात मैं पहले भी एक दो व्लॉग में ये चीज़ बोली है कि हम बोल देते हैं कि उसने उसके साथ बुरा किया, उसने उसके साथ बुरा किया,
भाई अगर हम अच्छे हैं ना तो सारी दुनिया अच्छी है, ये बात मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ। ज़्यादा मैं मतलब आपको पता है वो सियाने वाली बातें मैं नहीं करता होता, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस। मैं किसी को कोई सजेशंस ऐसा कभी नहीं देता, आपने जितने मेरे व्लॉग देखे होंगे। बट मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप खुद अच्छे हो ना तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है, आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट हाँ मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ के बारे में। मैं बिल्कुल आपको मतलब आपके सामने ही है, आप अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप देख ही रहे हो कि कन्याकुमारी तक जाके मैं आ गया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। भाई लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, भाई जहाँ खड़ा होता हूँ आके पूछते हैं कि भाई कुछ चाहिए है ना, हमारे पास रुको, हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। सो भाई मैं यही बोलूँगा कि खुद भी अच्छे रहा करो, लोग अपने आप ही अच्छे आपके साथ हो जाएंगे। और इसके बाद पहले मैं सोच रहा था आप पराठे बना लूं, पर अब मैं सोच रहा हूं भाई पराठे नहीं बनाने, सिंपल खाना बना लूं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा रखा है भाई हवा आ रही थी उधर से तो मुझे ये चीज़ लगानी पड़ी। तो ये भी अच्छा नहीं होता वैसे, कहते हैं फॉइल पेपर सही नहीं होता हेल्थ के लिए, बट कोई चक्कर नहीं है, अपने को यूज़ करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। तो अभी बस मैं बना के खाना, तो फिर देखते हैं आगे निकलते हैं भाई। तो अभी रोटी बनाते तो देखना आपने मुझे, ये कर दूं बंद। चलो एक बना देता हूँ आपके लिए, आपके सामने भाई बहुत बोलते हैं कि हमने लाइव देखना कैसे बनाते हो, देख लो मेरा, ये देखो देख लो आप फिर लाइव खाना बनते हुए। बस बढ़िया, शक्कर मेरे पास पड़ी है, देसी घी है, दाल हो जाएगी, अचार हो जाएगा और मस्त खाना हो जाएगा। फिर कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर आगे जाके कहीं से देखूंगा मैं दही वगैरह, या मुझे लस्सी मिल जाए ना तो फिर सही रहेगा। और क्या हाल है भाई, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। और अच्छा चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया चल ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हो? रहा। हाँ ब्रेकफास्ट भाई, चल स्कार कब पहुँचे? कल देखा था मैं मैंने आपको, नाइट में आया था मैं, ओके। उधर आपकी गाड़ी हाँ खड़ी थी। मैं कल ही आया भाई उधर से, उस साइड से, मनाली वाली साइड से। अच्छा, तो रात में रुक गया था पदुम में, पार्किंग वो है ना टेम्पो ट्रैवलर वाली, हाँ, उधर था मैं, अच्छा क्योंकि कल अच्छा ठीक था, थोड़ी सैर सी हो गई थी अप डाउन सी, हाँ, तो फिर अब थोड़ा आगे आगे इधर वो अपना सिंपला ब्रेकफास्ट। टॉप की वजह से होता है, 16,500 से फिट हाँ किया वहाँ है। पे कुछ नहीं हुआ, और बट उससे आगे आगे ना मैंने रोड ले लिया जो दो नहीं है, एक तो नीचे पक्के वाला है, डाइवर्जन वाला, मैं आ गया ऊपर वाले से, उस पर कटिंग चली हुई है तो बी उस आर ओ पर की, कटिंग चली हुई और वो चल रहा है अपना ब्लास्टिंग वगैरह हो रही थी, हाँ हाँ उसमें तो टाइम उसमें लगेगा। रोड भी बहुत तगड़े वाला था, उसने बहुत तसल्ली करवा दी सारी। आप कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से। पानीपत से, मैं क्या टू बात, ईयर से इधर ही हूँ, 2 साल से इधर अभी ही हो, थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया, ये फोर क्या लाइन हमारा एक चल रहा है। ये 4 लेन आप बना रहे हो हाँ इधर? जी हाँ जी, भाई देखो भैया है कहाँ से, पानीपत से, पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से है भाई, भाई भाई हैं, पंजाब और हरियाणा एक ही अच्छा चीज़ है ना। तो देखो लद्दाख में आके यहाँ पे टेंडर ले रखे हैं और यहाँ पे 4 लेन बना रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत सही है। 2-3 साल से आप इधर ही हाँ हैं, जी हाँ जी, अभी मैं सही, कल ही आया हूँ, वापस जा रहा हूँ, ऐसे क्या लगा बात। रहता हमारा आना जाना। और लोग सोचते रहते हैं महीना महीना भी कभी लद्दाख जाएंगे आप, नहीं आना नहीं जाने ही है। लोगों के सपने रह जाते हैं लद्दाख जाना जाना, हमारे बिल्कुल, पता नहीं महीने में कितने कितने चक्कर हो जाते तो हैं। जब बंद होता है फिर कैसे करते हो आप? अब ये बंद होता है नवंबर में, उस टाइम पे हम अपनी गाड़ी गुड़ी निकाल के चले जाते हैं यहाँ से, फिर मार्च में स्टार्ट होता है रोड, तब ओके आते हैं, या फिर इधर पंजीला वाली साइड से, जोजीला वाली साइड से जजीला वाला, लेट तक ओपन रहता है, उधर से करते हैं। ये नवंबर में तो बिल्कुल क्लोज ही कर देते हैं, मार्च में स्टार्ट कर देते हाँ हैं, समझ, ऐसा करते हैं। ठीक है भाई ठीक है। कुछ खाओ पियोगे तो नहीं बताओ नहीं भाई, अभी ब्रेकफास्ट करके आया मैं गेस्ट हाउस पे। ठीक है भाई ठीक अभी है। आपको किधर जाना है? अभी मैं जाऊंगा भाई ले, ले कारगिल होके जाओ ले जाऊंगा, कारगिल के लिए, अगर आप मिलना हो अपने बंदे हैं, इधर गेस्ट हाउस ही है, 2-3 किलोमीटर आगे प्लांट लगा लेफ्ट साइड में, ओके। उधर सारे आपको भी जानते हैं, अस्मित अच्छा नाम का लड़का है मेरा दोस्त, वो बोल रहा था अभी तो जल्दी में, लेकिन मेरे को इससे मिलना है। अच्छा हाँ अभी नेटवर्क तो है नहीं, मिल सकते नेटवर्क हो? है नहीं है ना, हाँ 2 किलोमीटर पे है, हाँ 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद लेफ्ट साइड में प्लांट है कंपनी का, दिख जाएगा कोई बात वैसे। नहीं, होगा हाँ मैं मिल जाऊंगा उधर पे वैसे, सब बंदे हैं अपने, कोई नहीं मैं मिल के जाऊंगा हाँ जाता स्टाफ हुआ, है। कोई बात नहीं भाई, हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है ब्रो, ठीक है चलते भाई, हैं। अच्छा ओके लगा मिलके। ओके देखो थैंक भाई यू। इतनी दूर से जब बाहर कहीं आते हैं ना कोई बंदा मिल जाता है तो ऐसे नहीं लगता कि मैं सोलो हूँ, ऐसे लगता है कि सारे लोग मतलब साथ में ही है। अच्छा लगा भाई मिलके, ओके थैंक भाई यू, जी, आप मिलते स्पेशल हैं हो के फिर, मेरे लिए। हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मैसेज करूंगा मैं हाँ भाई जरूर, आप इंस्टाग्राम पे। थोड़ा मेंशन कर देना ठीक कि है आप ठीक है यहाँ पे मिले थे, ठीक है ठीक तो है, पक्का आपका कोई दिक्कत नहीं, ओके आप टच में रहेंगे। ओके ओके भाई ब्रदर, थैंक यू भाई। ओके। तो भाई
अपना तवा और रखा है गर्म भाई, मिल गया था ना। देखो भाई कहाँ कहाँ आके भाई मिल जाते हैं ना, और जो लोग पहचानते हैं ना वो स्पेशल मिलते हैं आके ना, भी रुक जाते हैं मिलने के लिए, तो अच्छा लगता है ना थोड़ा थोड़ा। मैं कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूँ यार हो जाता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, चलता ही रहता है। हाँ जी, बन के खाना हो गया रेडी, तो दाल भी करता हूँ चेक मैं, इसमें डालूं पहले थोड़ा सा मैं घी, और घी में मैं क्या डालने वाला हूँ, अभी घी में डालने वाला हूँ शक्कर, दाल होगी, घी हो गया, शक्कर होगी, हो गया ना बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट हैवी वाला। बस अब अपने 4-5 घंटे निकल जाएंगे, और दोपहर में कुछ देख लेंगे, और कुछ खाना हुआ तो क्या बोलते हैं उसे, ब्रेड वगैरह, इससे काम चल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ये हो गया, अब मैं लेके आता हूँ दाल, देखते हैं भाई कैसे बनी है, क्या रिपोर्ट है दाल की, करें चेक। भाई भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, दाल अच्छी बन गई भाई, बढ़िया है, पर बढ़िया लग नहीं रही मुझे, थोड़ी सी कच्ची लग रही है अभी। चलो एनीवे देखते हैं, ट्राई करके देखता हूँ ना खा के, ऐसे नहीं पता चलेगा। हाँ जी, तो खाना हो गया जी बिल्कुल रेडी। भाई तबीयत ना ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, थोड़ी सी ना तबीयत हो रखी है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, तो मैं सोच रहा हूँ अभी खाना खा के ना जल्दी से आगे निकल जाऊँ मैं, और मेरे पास ना टैबलेट वगैरह हैं, बट मैं सोचता होता हूँ जितना टाइम बच जाए तो मैं ना ही लूँ। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टेस्ट बने, कैसे क्या कुछ है। वही एज वेल जैसे हर बार की तरह इस बार भी बहुत सही बने, तो रोटी मैंने ज़्यादा बना ली है, वैसे देखता हूँ जितनी खाई गई खा के, बाकी साथ में पैक कर लेते हैं और रास्ते में खा लेंगे। तो भाई कैसे लगा आपको वो लोग बताना मुझे ज़रूर, तो अभी मैं खा लूँ खा के, फिर आप बात करते हैं ना, काते काते बात नहीं करते होते। जैसे कि आपको बताया मैंने कि तबीयत ठीक नहीं है, तो खाना वगैरह तो हो गया, तो अभी क्या है कि ग्लूकोज इसमें डाल के रख लेता हूँ मैं, सिप सिप करके इसको पीते रहेंगे, और इसमें डाल लूँगा पानी में सिप सिप करके, ये चलता रहेगा, इससे थोड़ी एनर्जी आती रहेगी, क्योंकि आगे भी आज हाइट पे ही जाना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे लोग पहुँच के ना 2-2 3-3 दिन मतलब उठते नहीं है, बैठ जाते हैं, और मेरा क्या है मैं बिल्कुल ही नहीं टिक रहा भाई, चलो चाल ही है काम, रात भी सारी रात हेडक होता रहा। तो इसमें डाल लेते हैं पानी, कपड़े वगैरह भी थोड़े, अभी मैंने फेस वॉश वगैरह भी करना है, कपड़े भी चेंज करने हैं। ये कभी भी आप ट्रैवल करो भाई, पानी वगैरह सिप 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 लेते रहो, इससे थोड़ी तबीयत है वो ठीक नहीं। भाई मैं तो फिर भी चल रहा हूँ, लोग क्या भी बिल्कुल ही बैठ जाता है काम, लोगों का तो मतलब चल भी नहीं पाते ऐसा काम। चलो मैं सोच रहा हूँ भाई मेरा ठीक रहे बस, ज़्यादा काम बिगड़े ना, अगर ज़्यादा काम खराब हो गया ना तो यहीं बैठा रह जाऊँगा, जा भी नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे कोई संभालने वाला भी नहीं है, इतनी दूर आके कोई बोले भी कोई मुझे संभाल लेगा या कोई कोई। कल रूट में साथ में थे मेरे वो, जा रहे हैं भाई, रूट के ना काफ़ी साथी बन जाते हैं, ये चीज़ है, जब लद्दाख जाते हैं ना तो सबका रूट होता है ऑलमोस्ट सेम, सबने सेम ही रोड पे जाना होता है, पे जाना वो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बस वो मिलते ही रहेंगे वो सेम लोग, वो तो वो जान पहचान हो जाती है बंदे को, लगता है भी हाँ नहीं ठीक है कोई ना कोई साथ में जा रहा है, तो ये चीज़ भी थोड़ी ठीक रहती है, थोड़ा सा हौसला हो जाता है। तो भाई कैसे लगे बताना,
अभी खाना वगैरह सब कुछ मेरा हो गया है ना, तो अभी मैं थोड़ा सा सेटिंग करके इसकी वैन की और फूड वगैरह संभाल दूँ। थोड़ी सी दाल पड़ी है और रोटी भी पड़ी है मेरे पास, अभी वो बाद में खा लेंगे। और चलो जुड़े रहना वीडियो के साथ, और जो फर्स्ट टाइम किसी ने देख रहे हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।